दुनिया में जिसको अपने वतन से, अपने धरती से, धरती मां से तो प्यार ना हो। हुसैन साहब, एक और गुजारिश आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आप वंदे मातरम के दो लाइन भी हमारे दर्शकों के लिए गा सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा हौसला अफजाई होगा, लोग बहुत जुड़ेंगे इससे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, यह बताइए कि आज पाकिस्तान अपने आप को पूरी दुनिया भर में इस्लाम के खैरगवाह के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, क्या वाकई में पाकिस्तान में इस्लाम का पालन होता है? भारत, जिसको अब भारत कहते हैं, इंडिया मुसलमानों का खैरगवाह है, और अगर मुसलमानों का पूरे जितने दुनिया में रहते हैं उनका कोई दुश्मन मुल्क है मुसलमानों का, तो वो पाकिस्तान है। 26 नवंबर को बम देखकर नेज हुआ, वो किसने किया? पाकिस्तान की फौज ने किया। अब आप कहेंगे, कोई सवाल उठाएगा, तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरे थे, उसमें मुसलमान भी मरे थे, ईसाई भी मरे थे, ज्यूज भी मरे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान ने कश्मीर का वो हिस्सा जो 1947 में हिंदुस्तान से छीन लिया था, क्या आपको नहीं लगता कि हमें, यानी कि हिंदुस्तान को, उसे पाकिस्तान से वापस लेना चाहिए? ऐसे में क्योंकि आप भी लगातार कहते हैं कि आपको भी मदद देनी चाहिए, आप भी मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए, मोदी सरकार को थोड़ी उन्होंने हिम्मत तो दिखाई है, लेकिन मोदी सरकार और हिम्मत दिखा के कश्मीरियों को भी आजादी, ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, उनको आजादी दिला दें, महाजरों को, सिंधियों को इनका देश बना दें, सिंधु महादेश, और बलोचिस्तान को आजादी दिला दें, सरहद को आजादी दिला दें, तो हम भारत के और मोदी साहब का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। इंडिया की आवाम का हम एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर आज आपको ये मौका मिले कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, तो आपकी दिली ख्वाहिश पूरी होगी? मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अब बार बार कहना ठीक नहीं है, मोदी साहब को जी मेरी अपील सुननी चाहिए, एक दफा मुझसे मुझे मिलने की इजाजत दें, और तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी, मैं उनको मिलके पूरी अपनी जिद्दोजहद की, 43 ईयर की जिद्दोजहद स्ट्रगल की जो तपस्या है वो उनको बताऊंगा। एक आखिरी साहब सवाल आपके सामने, हुसैन साहब, हिंदुस्तान आने का मौका मिले तो आपका दिल कौन सा गाना गुनगुनाएगा, और जो गुनगुनाएगा वो हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। एक जुमला, एक मिसरा कहता हूँ, जो मतलब गुनगुना, जो 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 एक मेरे दिल का दुख है जी, वो बता दूं आपको? बिल्कुल, प्लीज। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम पूछो एक जरा सा, एक जरा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। अब हमारे दिल को जोड़िए, भारत के जितने सुनने वाले हैं, हमारे दिल को जोड़ दीजिए, जो टूट गया है, और टूटा इसलिए है कि हमारा हिंदुस्तान टूट गया, तो हमारा दिल टूट गया। हम तो चाहते हैं कि ये दिल फिर से जुड़ जाए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल की जाए, और एक दिन हम सब मिलकर एक पुराने हिंदुस्तान, 70 साल 75 साल पहले के हिंदुस्तान को एक बार फिर जिए, ये सपना हम सबों के दिलों में है, और हमारी पूरी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ।
इंशाल्लाह आप जो चाहते हैं वो जरूर पूरी हो। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।